शरीर के बेहतर कामकाज के लिए सांस लेने के लिए फेफड़ों का हेल्दी और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। छाती में ज्यादा बलगम जमने से वायु मार्ग बंद हो सकता है, जिससे आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बढ़े हुए बलगम से निमोनिया जैसे संक्रमण भी हो सकते हैं। बदलते मौसम में कफ और बलगम जमने की समस्या बढ़ जाती है। अब जब इस बात को हम जानते हैं कि फेफड़ों में किसी भी तरह की समस्या मुसीबत में डाल सकती है, तो इनका खास ख्याल रखना भी जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे नुस्खे बताएंगे जो कफ और बलगम से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर वन, पुदीने के तेल का प्रयोग करें। अगर स्टीमर में पानी डालकर और इसमें दो तीन बूंद पुदीना का तेल मिलाकर भाप लेते हैं, तो इससे गले की सिकाई होगी और सूजन दूर होगी। साथ ही गले की खराश में आराम मिलेगा। यह गले या छाती में जमा बलगम को ढीला करने और बाहर निकालने में भी प्रभावी है। दिन में दो तीन बार भाप जरूर लें। नंबर टू, हर्बल चाय पिएं। गले की खराश और बलगम दूर करने में तुलसी और अदरक की चाय बहुत प्रभावी है, क्योंकि दोनों ही कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इनकी चाय सर्दी खांसी जुखाम की समस्या में बहुत लाभकारी है। आप इसमें शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। नंबर थ्री, काली मिर्च का करें सेवन। आप गुनगुने पानी में काली मिर्च पाउडर और शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। यह बलगम को बाहर निकालने में बहुत लाभकारी है। ऐसा दिन में दो तीन बार करने से गले की खराश दूर होगी और बलगम से भी छुटकारा मिलेगा। नंबर फोर, दो तीन बार करें गरारे। गले की खराश और कफ के लिए यह सबसे प्रभावी नुस्खा है और सबसे आम नुस्खा भी। अगर आप गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर दो तीन बार गरारे करें, तो इससे आपको जल्द आराम मिल सकता है। नंबर फाइव, काढ़ा बनाकर पिए। आप कुछ मसाले और हर्ब्स जैसी काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, अदरक आदि को गर्म पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। काढ़े में शहद मिलाकर दिन में दो तीन बार सेवन करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।